नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ साधना शर्मा। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने से पहले आइए जानते हैं आज की ताजी और खास खबर। करीब 40 बीघा सरकारी जमीन दबंगों से कराई गई मुक्त, भूमिहीन काश्तकारों में खुशी की लहर। खबर बांगरमो उन्नाव से। भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तहसील प्रशासन ने क्षेत्र के ग्राम फरीदपुर कट्टन में करीब 40 बीघा सरकारी जमीन दबंगों से मुक्त करा ली है। शेष सरकारी भूमि भी जल्द ही दबंगों के कब्जे से मुक्त कराई जाएगी। तहसील प्रशासन की इस कार्रवाई से भूमाफियों में मचा हड़कंप, जबकि गरीब काश्तकारों में दौड़ी खुशी की लहर। गौरतलब है कि ग्राम फरीदपुर कट्टर के ग्रामीणों ने संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायती पत्र देकर ग्राम समाज की 150 बीघा जमीन भूमाफियों के चंगुल से मुक्त कराए जाने की मांग उठाई थी। शिकायती पत्र में ग्रामीणों ने कहा था कि ग्राम पंचायत में रेत की श्रेणी में लगभग 35 हेक्टेयर तथा गंगा नदी की श्रेणी में लगभग 5 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। गंगा में बाढ़ आ जाने के चलते अधिकांश रेत की जमीन पर मिट्टी पड़ गई है और यह जमीन खेतिहार भूमि में तब्दील हो चुकी है। शिकायतकर्ता काश्तकारों के अनुसार करीब एक महापौर मौजूदा प्रधान के पतिराम अवतार के अलावा गांव के अरविंद, सूर्यपाल, श्रीपाल, राम कुमार, गेंदालाल, संतोष लोधी आदि दबंगों ने इस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर जुताई कराने के बाद गेहूं की बुआई भी कर दी है। शिकायती पत्र को संज्ञान लेकर उप जिलाधिकारी अंकित शुक्ला, प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश नाथ शुक्ला भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। लेखपाल से सरकारी जमीन चिन्हित करवाने के बाद करीब आधा दर्जन फैक्ट्रियों से जमीन पर उगी गेहूं की फसल जुतवा कर ध्वस्त दी। उप जिलाधिकारी श्री शुक्ला ने बताया कि करीब 50 बीघे ग्राम समाज की जमीन पर वल्हान पुरवा और कुशाल पुरवा दोनों गांवों की आबादी बसी हुई है। शेष सरकारी जमीन भी चिन्हित करवाकर दबंगों के कब्जे से मुक्त कराई जाएगी, साथ ही दबंगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तहसील प्रशासन की इस कार्रवाई से गरीब और भूमिहीन काश्तकारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जमीर खान। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।